चलिए टॉस की तरफ रुख करते हैं। नमस्कार सबको, आदाब, सत श्री अकाल। मैं स्वागत करता हूँ आपका इस मैच में और इस बेहतरीन ग्राउंड में। चलिए जानते हैं आज इस बड़े मैच की परिस्थितियाँ क्या हैं। पूरा दिन मौसम साफ रहने की संभावना है और पिच काफी सख्त है, लेकिन सतह पर कुछ दरारें जरूर दिख रही हैं। थैंक यू आपका इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट T20 यहाँ पे आ चुका है आपके सामने। प्लेइंग 11 मैंने बनाने की कोशिश की बेस्ट, बस इस गेम में कुछ प्लेयर्स नहीं हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो परफेक्ट नहीं बन पाई है, बट आपके सामने जब आएगी तो आपको पता लग जाएगा। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीते हैं, मुझे लगता है जानबूझ के ये लोग वीडियो दिखाना चाहते हैं, इसलिए हर बार हमको टॉस हरा देते हैं। नेशनल एंथम्स हैं दोनों टीमों का, बट अभी हम वो स्किप करेंगे, बट ये है हमारी टीम इंडिया। सभी खिलाड़ी मैदान पर हैं और अब हम देखने जा रहे हैं इस मैच की पहली गेंद। तो तैयार हम लोग, हमारे ओपनर्स वेस्टइंडीज के धीरे 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 छोटे छोटे कदमों से, और ये है केएल राहुल कप्तान है, जो हार्दिक पांड्या को कप्तान बनने ही नहीं दिया गेम ने। मैं अगर गलत है तो इस गेम में कमेंट्री ऑफ ही नहीं कर सकते, साउंड ऑन ऑफ का ऑप्शन है और साउंड ऑन ऑफ करने पर ये सारा साउंड चल जा रहा है ऑडियंस का, इस कारण से मैं अनफॉर्चुनेटली इनके साथ कमेंट्री करूंगा। ठीक है, यहाँ पे बॉलिंग कंट्रोल, अरे ये कैसा बॉलिंग कंट्रोल है। ठीक है, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है अपने आप सिलेक्ट भी हो गया। ओके ओके करना है, परफेक्ट टाइमिंग वाला है। पिच कम पड़ेगी, लेकिन अपने आप ही डिसाइड किया है क्या पिच। ओके फर्स्ट बॉल फ्लिक, गैप नहीं, और ये ब्लैक क्यों हो गए वेस्ट इंडीज वाले नीचे। ऐसा ऑटो प्ले करने से पहले आपको एक बॉल डालनी पड़ती है जिस बॉल पे आप ऑटो प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, बीट इस गेंद पे, बढ़िया पंड्या जी। 32-2 पे हमारे पास आई है गेंद और हम लोग तो आखिरी सेशन पे जाने वाले हैं। बढ़िया ड्राइव, इस गेम का AI अलग ही लेवल पे ऑटो प्ले चलाता हुआ। 8.3 वर्ल्ड सेकंड, एक लास्ट भी हम लोग करेंगे और इस बीच विकेट होनी चाहिए, आउट नहीं दिया क्यों। 12.4 पे मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ क्योंकि इस गेम में अलग ही है इनका अंदाज। कवर ड्राइव पॉइंट पे एक्चुअली खेला है, ड्राइव शॉट 4 रन मिलते हैं। मुझे लगता है 5 ओवर का ऑटो प्ले ये लोग रखना चाहते थे पर कोडिंग नहीं कर पाए, पता नहीं क्या है इनका भाई। कैप मिल गया है, रनिंग की परीक्षा होने वाली इस बार। ठीक है, डीप में फिल्डर मौजूद है तो 1 रन, एक और स्पिनर को तो बनता है, तो मैं ले आऊँ अक्षर पटेल को 54 नंबर टी शर्ट के साथ। ऑफ ब्रेक की तैयारी, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कितना कराना है ऑफ ब्रेक, और यहाँ पे परफेक्ट मीटर है, फुल गुड शॉट और बाउंसर वाली गेंदें हैं। डिफेंस कर रहे हैं 18वें ओवर में, 18 ओवर चल रहा है, 12वां नहीं। और ये अक्षर पटेल का चेहरा भाई, आप चेहरे सब ओरिजिनल है और सब फ्री में अवेलेबल है चेहरे असली, लेकिन गेम ही टाए टाए हैं तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सके। 6 फ्लिक से बाउंड्री के पास, अलजरी जोसेफ यहाँ पे, दुखी हो ना हो। और भाई साहब एक कीपिंग कर रहे हैं, सॉरी बॉलर का कवर कर रहे हैं इस टाइम, एम्पायर बहुत गुस्से में 6 बोलते हैं, लगता है इंडिया के ही है। ये देखो गुस्सा, देखो एम्पायर का, बोला मेरे बिना तुम डालेगा कैसे बॉल, परफेक्ट गेंद जल्दी नहीं गिरती। 54 नंबर टी शर्ट अक्षर पटेल, अब ये फ्लिक पहले करता है, गेंद बाद में टकराती, जाता 6 कैसे है भाई, ये क्या हो रहा है। 6 गुस्से में बहुत है भाई, पड़ गई परफेक्ट, पर पिच कहां पड़ रही है मैंने ध्यान ही नहीं दिया, डिफॉल्ट जो था वही है। ओ सूर्य कुमार यादव बन रहा है, जो सिर्फ बन नहीं पाया पूरा, 2 रन जरूर आएंगे यहां पर। 57 नंबर टी शर्ट हार्दिक पंड्या, यहां पे बाल गायब है गेम में, उस समय के बाद चेहरा अपडेट नहीं हुआ, इस बार परफेक्ट मिस कर दिया, तगड़ा शॉट आने वाला है 142, और ये ऑफ स्टंप पे गेंद, 1 बाउंस 4 गुस्सा देखो भाई, आंखें देखो, रिप्ले इस तरह के ही अभी तक तो आए हैं जो रिप्ले हमने देखे हैं, एम्पायर गुस्से में लेकिन बॉलर खुश है अपने आप से, भले एक छक्का चौका 42 रन दे चुके हैं बट बॉलर के चेहरे की स्माइल नहीं गई, एम्पायर जरूर गुस्से में। लास्ट गेंद आई थिंक, हाँ डॉट, ये देखिए ये शार्दुल ठाकुर है, गजब चेहरे तो भैया, मतलब छाप लिए ओरिजिनल वाले, लेकिन गेम प्ले मैं कहूँगा एपिक गेम से, मुझे पिछली बार से सही लग रहा है, जो पिछली बार मैंने लास्ट टाइम जब भी खेली थी विकेट मिल गई, एम्पायर के चेहरे बदले, एक्चुअली एम्पायर ही बदल गया, वो स्क्वायर लेग वाला एम्पायर था पहले, बढ़िया कैच बहुत क्विक था और सेलिब्रेशन कुछ इस तरह से, शुभमन गिल देख सकते हो आप चेहरे पे स्माइल, अब लग रही है सही है, तो पहले छक्का का चौका खाने के बाद भी सेम थी। रिकॉर्डो पॉवेल 20 बना के आउट, अरे ये क्या चालू भी हो गया, शार्दुल द लॉर्ड, अरे एक और झटका, अबे विकेट 146 पे नॉक अप गिर गई, अच्छा हालत खराब है वेस्ट इंडीज की, और ये भाई साहब को कुछ पता ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिकीएस्ट विकेट, और जी ये ऑल आउट हो गई है, 146 पे ऑल आउट, तैयार होंगी दूसरी पारी के लिए। शुरुआती जोड़ी मैदान पर है और नई गेंद का सामना करने के लिए तैयार। एक बात मैं कहूंगा, इंट्रो इनकी अच्छी है मेरे से, ये अच्छे से बता देते हैं क्या है। ईशान किशन, शुभमन गिल आ गए, हम अराउंड 12 ओवर्स के आसपास लेंगे अपने हाथ में गेम, पहली बॉल खेलने के बाद
रिकार्डो पॉवेल, हो सकता है रोमन पॉवेल, ठीक है लॉफ्ट करना है, बट मुझे कंट्रोल का आइडिया नहीं, रन दौड़ा दिया है, रन आउट का भी भरोसा नहीं, अंडर आर्म थ्रो, बट डाइव मारना ठीक है। अरे कुछ पता ही नहीं था भाई कहाँ क्या हो रहा है, कोई ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल कुछ नहीं आया, पहला मैच खेल रहा हूँ तो भी बीच बीच में आपको गेंदें खेलनी पड़ेंगी। ड्राइव किया है, बीट हुए हैं किशन लैकटर के साथ, परफेक्ट शॉट, मैंने ग्राउंड खेला था बट टाइमिंग इतना कमाल था कि चार रन, गुड हिट, वो देखो दो दो बॉल, अरे कहाँ चला गया फील्डर, क्या हो रहा है, पहला रिप्ले हमेशा गड़बड़ वाला है। इंडिया को 50 रन चाहिए भैया, जो थोड़ा सा अनफेयर है, 8 ओवर में ही इंडिया ने मार दिया, और रियल में भी हो सकता है ऐसा, तो मैं यहां से अब चेस कर रहा हूं 30 बॉल में मुझे 50 करने। बीट राहुल कप्तान है जो कि लॉफ्टेड नहीं कर रहा अभी थोड़ा, ए, ये तो मिड लॉन्ग ऑन मारा था, कैच हो रहे हैं क्या, गैप में 4 रन, जिस दिशा में खेला था इतना बड़ा शॉट भाई एजिस से नहीं जा सकता, बट ठीक है गेम है। ग्राउंड शॉट्स जिंदाबाद, थोड़ी स्लो हो गई, और स्लो होती तो बीट हो जाते हैं। गेंदबाजी में बदलाव हुआ है, नई गेंदबाज यहाँ पर, इनका नाम ही हाँ वॉल्स है, डन वॉल्स, लेट हो गए, क्विक सिंगल, अच्छा है कि एक बाउंस पहले गिरा, डाइव कैसे मारता है, अच्छा देखना था, चलो भैया लॉफ्टेड टाइम, परफेक्ट, ओए ये हुक क्यों लिया लेकिन, अच्छा फ्रंट फुट बैक फुट, हाँ इसे बता दूं नए कंट्रोल आ चुके हैं जिसकी मदद से आप अपना सब कुछ प्रॉपर बैक फुट फ्रंट फुट भी सेट कर सकते हो। मैंने जॉयस्टिक रखा है, प्रो जॉयस्टिक भी एक है, पर ये जॉयस्टिक में फ्रंट फुट बैक फुट डिसाइड नहीं होता। बीट, एक ही रास्ता बचा है, स्ट्रेट शॉट, जब कुछ नहीं लगता मारो सीधा शॉट, अबे कैच आउट हो गए लेकिन 102 पे आउट, 4-5 गिर गई, ये बचाना चाहते हैं वीडियो दिखा के, बट भाई मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि, और वो बॉलर के पास क्यों खड़ा है फील्डर, अरे ये उड़ के वहां कैसे चला गया सेलिब्रेशन भाई बहुत ही प्यारा, क्राउड का भी रिएक्शन क्यों नहीं, अच्छा हिल रही है बट वो एक ही मोशन में हिल रहे हैं सब, वाह क्या सिंक है भाई, लगता है ये मैच ग्राउंड शॉट से ही जीतना पड़ेगा, वाह क्या घुमाया है, पॉइंट की दिशा से क्या चौका निकाला है अक्षर पटेल, अनएक्सपेक्टेड शॉट भाई, ये रिप्ले तो मैं देखूंगा, हटा भाई स्किप कर, गुस्से वाले अंपायर, सबसे ज्यादा गुस्से वाला एम्पायर यही है पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में, वो तू क्या कर रहा है, बीच में आ गया बीच में फील्डर, और लॉफ्टेड, इनकी गेंदें सब नीचे रह जाती हैं, वो दिक्कत है। आफीफ हुसैन आया, घुमा दिया शॉट, वही जिस तरह से एआई खेल रहा था वेस्ट इंडीज के अलावा, 4 रन फ्लिक से भाई, इंडिया खेल रहा है और 6 नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है गैप में हिट है, 4 है, डिफिकल्टी मीडियम थी, मीडियम रखी थी, तो गेंद बैट लॉफ्टेड पे लगाया, हेलीकॉप्टर मिस हुआ पंड्या से, ऑन द पेपर लग रहा है कि पिच पे बाउंस होगी मतलब गिरने के बाद, बट हम भरोसा नहीं कर सकते, ग्राउंड शॉट लिया, और मुझे ये मानता कि फ्रंट फुट पे जाएंगे तो गैप में 4 निकलेगा, ये गेंद काफी ट्रिकी है, इसको खेल गया ना तो यू आर प्रो, ठीक है अंडर आर्म थ्रो आ रही है, ओहो क्या मूवमेंट था ये, नॉट आउट है, अरे थर्ड एम्पायर आ गया, अरे उसके मुंह में घुस रही उंगली एम्पायर की, यू वॉन्ट टू सेव एच पंड्या फ्रॉम गेटिंग भाई, लेकिन अभी तो आपने, हाँ थर्ड एम्पायर चल रहा है ना, तो थर्ड एम्पायर से पहले ही तो भाई पैसे मांग रहे हैं, वीडियो देख लो ये क्या है, थ्रो बहुत बढ़िया थी भाई अंडर आर्म, बहुत ये अच्छा था, एनिमेशन बहुत बढ़िया, पर ये तो आउट है नहीं मेरे हिसाब से, ये का ठीक है डिसीजन पेंडिंग, आउट है क्या पहले ही, अरे यार आउट नहीं दिया, मैंने देखा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया, मुझे नॉट आउट लग रहा था, तगड़ा सेलिब्रेशन यहाँ पे, बाजू वाले को पड़ी नहीं है पीछे वाले को, बोले भाई मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं क्यों सेलिब्रेट करूं, गेम में राइट साइड में बॉटम में स्किप का ऑप्शन होता है, इस गेम के अंदर फ्री हिट का ऑप्शन है वीडियो देख के, बहुत गलत बात है भाई, ये एडवांस मत करना बाकी ठीक है, ओ बीट लो, अच्छा है कि डॉट गई, नो बॉल, वो वीडियो देखने के कारण, गजब फ्री हिट भाई, इतनी इजी फ्रंट फुट गेंद है, ये मिस क्यों हो रहा है, ये मिस क्यों हो रहा है, बैक फुट क्यों जा रहा है, तो ग्राउंड शॉट ही बेहतर है, अगर आप लॉफ्टेड को कनेक्ट ही होने दे रहे, ग्राउंड शॉट भी बीट, क्या ये जानबूझ कर छोड़ रहा है नहीं छोड़ जानबूझ से क्यों छोड़ रहा है, ये जानबूझ अबे छोड़ रहा है, नहीं जानबूझ की गेंदबाजी ऐसी थी जैसे आरोप लगा दिया कि जानबूझ ही छोड़ रहा है, आश्चर्यचकित हुए बैट्समैन तो नहीं कीपर जरूर आश्चर्यचकित है, ना सोचा था उससे ज्यादा फनी गेम निकला, चलो भाई फ्लिकी फ्लिक से ही खेलनी है बाउंड्री, वन बाउंस फोर, और दुखी गेंदबाज स्ट्रेट लॉफ्टेड, ये सिक्स बैट, हाँ 129 अक्षर पटेल पिटाई कर रहे हैं, टर्न्स चेंज नहीं कर रहा, अरे रे ओ यार क्या मिस शॉट हुआ है एज में, टर्न्स चेंज थोड़ा सा लेफ्ट साइड गए, और ये परफेक्ट हेलीकॉप्टर घूमता हुआ जा रहा है सीधा लाइन में, वन बाउंस फोर के लिए,
मुझे सिक्स लगा था, मुझे सिक्स लगा था, नॉट बैड। थोड़ा सा मैं थर्डमैन की दिशा में खेलना चाहता था, जल्दी खेल गए थर्डमैन पे खेलने की कोशिश में। वाओ स्विच इट और स्विच स्वीप फोर रन शाफिर भाई अंजली जोसेफ के लिए बैट देने। मैं फिर से दोहराऊंगा एक बार भाई, ये गेम में मुझे पिछली बार जब भी मैं लास्ट टाइम एपिक गेम्स खेली थी उससे ज्यादा मजा आया। ये कौन सा लॉफ्टेड शॉट होगा? अरे लगा कि उन्हें कितना मस्त लगा रहा है एनिमेशन में, वाइट बॉल बाय लग जाना था। अरे एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया, फिर चेंज नहीं कर सकते क्या? अरे निकाल दिया सूर्या स्टाइल। अरे दौड़ो दूसरा रन, अबे चार है ऐसे दूसरा भी नहीं दौड़ने दिया। जीतने वाले हम लोग राउंड। हाँ एक और चौका चाहिए, 147 का टारगेट था, 142 हो चुके हैं। ये वाला कनेक्ट करा दे, लास्ट टाइम नहीं हो पाया था। अरे अरे रे हाईपीडी विलियम 360 लगाने वाले थे, बट अभी 360 टर्न करके सीधा पवेलियन जाना पड़ेगा। अरे रे बहुत तेज निकली गेंद, पोजिशन में नहीं थे। UCC3 वाले भी सोच रहे होंगे हमने बिना मतलब लाइसेंस लिया। और बीट अराउंड, अगर आप मेरा गेम प्ले देखते हो ना, 8.3 में मैंने ली थी जिम्मेदारी, तो ये जो गेंद है ना मेरा दो गेंद वाला गेम बाकी है। मुझे अगर देखा जाए तो एक बॉल में एक रन करना है। अब जो लास्ट गेंद आ रही है, मतलब कि 30 गेंदों में मुझे 50 करने थे, मैंने 29 गेंदों में 49 कर लिया है। कह सकते हो आप दिस इज द लास्ट बॉल, एक बॉल में एक रन, अदरवाइज द सुपर ओवर इज लोडिंग। लेकिन अभी इस गेम में ऐसा नहीं है क्योंकि इस गेम में अभी गेंदे बाकी है। बट अगर हमारा प्रेडिक्शन सही ढंग से होता, मतलब जो इसमें क्योंकि 5 ओवर टोटल है ही नहीं। एक बात और कहूंगा भाई, आपके पास कोई आइडिया हो कि अगली गेम कौन सी गेम में खेली जाए तो कमेंट जरूर कर देना। और ये है विनिंग शॉट, अच्छा है कैच नहीं किया। मैं एक्चुअली क्रिकेट फीवर में भी खेलना चाहता, बट उसमें 20 ओवर का गेम नहीं है। WCC लाइट में भी 20 ओवर का गेम प्ले नहीं है, WCC 1 में भी 20 ओवर का गेम प्ले नहीं है। और हाँ मैं जिन गेमों के नाम लिया, अगर उनमें 20 ओवर गेम प्ले मिल भी जाता है किसी मोड में, उसमें ऑटो प्ले नहीं है, तो भाई हमारा प्रेडिक्शन फॉर्मेट तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसमें। बट फाइनली वी वन द मैच, अरे भाई, और मैन ऑफ द मैच बनेंगे शार्दुल ठाकुर भाई। गजब गेम चेंज की थी भाई, एकदम सूट कर रहा है। फोटो देखा कैसे फोटो खींचा, तो कैसे वाइट हो गए स्क्रीन। नहीं भाई, तो ये हमारा हाल रहा है, ये हमारे मैच का रिजल्ट है, प्रेडिक्शन। और ये बहुत खुश होंगे इस जीत के साथ, इन्होंने दर्शकों को भी निराश नहीं किया। बिल्कुल भाई, कमेंट्री के स्टार्टिंग और एंड बहुत अच्छा है, बहुत सूट कर रही है वॉइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना कौन सी गेम में अगली बार खेले, कोई यूनिक सजेशन हो तो मजा आएगा पढ़ने में। बाकी टेक केयर, गुड डे, लाइक कर देना, बाय 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 बाय। और हाँ, प्रेडिक्शन स्टार का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, जिसको भी रजिस्ट्रेशन लेना है 50 रुपीज चार्ज है, विनर को 100 रुपीज है, और उसके बाद ही RCPL चालू होगा, ऑक्शन वाली जो टीम का लाइव स्ट्रीम था वो। बाय बाय।